नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसोडी में दिन दहाड़े हथियार के बल पर दो अपराधियों ने फिनो बैंक के कलेक्शन एजेंसी की लूट, पुलिस जांच में जुटी। आजाद नगर स्थित जवाहर नगर रोड नंबर 14 में मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। जोजोबेड़ा में रेलवे का नव निर्माण पुलिया से गिरकर कानवाई चालक गंभीर रूप से हुआ घायल, एमजीएम में भर्ती। और चाईबासा के भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने किया सरेंडर। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के परसोडी थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर हथियार के बल पर दो अपराधियों ने फिनो बैंक के कलेक्शन एजेंट हरीश मुखी से लूट कर ली। अपराधियों ने दिन दहाड़े मेन रोड पर ही हरीश पर पिस्टल सटा दी और उसके पास कलेक्शन के 4,50,000 रुपए लेकर चले गए। घटना के बाद हरीश ने इसकी जानकारी अपने मालिक को दी और शिकायत करने पर परसोडी थाने पहुंचा। शिकायत के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। मिली जानकारी के अनुसार हरीश फिनो बैंक के लिए कलेक्शन एजेंट का काम करता है। वह ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट के द्वारा रुपए कलेक्ट कर बैंक में जमा करता है। आज सुबह वह कई जगह से रुपए कलेक्ट कर जुगसलाई की ओर जा रहा था, तभी परसोडी थाना से करंबी की ओर जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन भवन के पास पीछे से बाइक सवार दो अपराधी आए और हरीश को रोक दिया। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और पिस्टल सटाकर रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हेलो, हाँ भेज रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, आइए। कजन ब्रदर हैं अमर प्रताप सिंह, जो आज किसी काम की वजह से कलकत्ता गए हैं। तो उनका फ़ोन आता है 10:30 बजे के करीब में कि लड़का गया था हरीश मुखी फ्लिपकार्ट सुंदरनगर से और गुल पहाड़ी से पैसा कलेक्शन करने। फिर हम लोग वो पैसा को लेके फिर बैंक में जमा करवा के फिर अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्लिपकार्ट वगैरह करता है। तो उसको पिस्टल के पर्स कटा के और पल्सर पे अननोन नंबर गाड़ी जिसमें नंबर नहीं था, दो लड़के हेलमेट लगा के उसको पिस्टल के बर्ड से मारे और उसका बैग में 4.5 लाख के करीब पे पैसा था, बैग लेके फरार हो गए। तो थाना में अभी आए हैं, थाना को बताए हैं, लड़का से पूछताछ हो रहा है। आज सुबह 11 बजे के करीब एक लड़का जो फिनो फाइनेंस कंपनी में काम करता है कलेक्शन एजेंट के रूप में, वो फ्लिपकार्ट एवं अन्य ऑनलाइन कंपनी का पैसा लेकर के सुंदरनगर से आ रहा था और करंडी के पास दो अज्ञात मोटरसाइकिल वालों ने रोक करके उसे उसका पैसा छीन लेने की बात बतलाया है। 4,80,000 रुपये बाद बैग में रहने की बात बतलाया है। इसमें ये घटना के बाद क्या किस तरह का उस पर जांच चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, अपराधियों के विरुद्ध में सघन छापामारी चल रही है। इधर आजाद नगर स्थित जवाहर नगर रोड नंबर 14 में महिला का शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पहचान को लेकर शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। जवाहर नगर रोड नंबर 14 से पुलिस ने महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। शव का शिनाख्त नहीं होने के कारण शव को सुरक्षित रखा गया है। तो महिला का, बुजुर्ग महिला का लाश जो मिला 14 नंबर में, क्या हुआ उसका अभी तक कुछ पता चला? उस महिला का अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाया है, ना महिला का अभी तक कोई आया है। हम लोग 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हाउस जिमना में रखे हैं और उसका जिसमें उसका हुलिया के लिए कोई अभी तक पहचान के लिए नहीं पहुंचा। 72 घंटे के बाद फिर हम लोग डिस्पोजल कर देंगे। और उस बुजुर्ग महिला का पहचान है, जो उसका 4.5 फीट हाइट है और जो है उसका
सांवली रंग की है और बाल पका हुआ, छोटा छोटा बाल है और लाल रंग का स्वेटर पहनी हुई है और छिटदार साड़ी है और पेटीकोट उसका आपको पहना हुआ है, पेटीकोट में लाल रंग की बैगनी कलर की पेटीकोट। पहचान अभी नहीं हुआ है? नहीं, अभी कोई पहचान नहीं हुआ है, अभी उसका कल तक का समय है और उसके बाद नहीं आने पर हम लोग डिस्पोजल कर दिए। उधर जोजोबेरा में रेलवे के नव निर्मित पुलिया से गिरकर कनवाई चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। जोजोबेरा में रेलवे के नव निर्मित पुलिया से नीचे गिरकर दुर्गा गुप्ता नामक कनवाई चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल चालक को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया है। नया पुलिया बन रहा है, उस पे बैठे हुए थे वो, धूप सेक रहे थे और बगल में गड्ढा टाइप का है, उसी को ऊपर से नीचे आ गए। पुल के ऊपर से गिर गए? जी, पुल के ऊपर से। कितना हाइट होगा पुल का? हाइट होगा कम 15 फीट 20 फीट, 20 फीट से हाइट होगा। अच्छा, ऊंचा है? ऊंचाई होगा, उतना ऊंचा होगा। अच्छा, क्या चीज में गिरा ये? वो पानी में गिरा। नीचे नाला? क्या नीचे नाला है? टेलको टाटा मोटर्स का पानी नीचे बहता है, उसी में गिर गया। उसी में गिर गया। ये क्या करता है? ये गाड़ी चलाते हैं। क्या नाम है इनका? दुर्गा गुप्ता। कहाँ पर है ये पुल? ये पुल है जोजोबेरा किसान नगर। रहने वाला कहाँ का है? जोजोबेरा किसान नगर का रहने वाला। वहीं पर बन रहा है? क्या चीज का पुल बन रहा है? रेलवे का पुल। अच्छा, वहीं पे ये गिरा है। कैसे फिर पता चला आप लोगों सब? उस पे ये लोग बैठे हुए थे 3-4 आदमी, वही देखे उनको उठाए थे। क्या कर रहा था ये लोग वहाँ? सब बैठे हुए थे, धूप उप लेते रहते हैं ठंडा में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजू पाठक। और चाईबासा के भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने सरेंडर किया। चाईबासा पुलिस केंद्र में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के वरीय अधिकारी की मौजूदगी में सरेंडर किया। झारखंड सरकार के पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर किया गया। जानकारी के मुताबिक सोनवा और गोइलकेरा थाना के कई कांडों में शामिल था। बता दें कि राज्य को नक्सली मुक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर समेत अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा भी नक्सली संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठनों के खिलाफ निरंतर सफलता भी मिल रही है। साथ ही भटके नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए झारखंड पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इधर देख के, वही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जमशेदपुर इकाई के द्वारा साक्षी ग्रेजुएट महिला कॉलेज के सामने कब्रिस्तान के खोले जा रहे गेट के मामले को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही अविलंब निर्माण कार्य को बंद करवाने की मांग उठाई गई। इन्होंने कहा कि लगातार युवा भाजपा अपने बहनों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। विगत 17 अक्टूबर को युवा भाजपा छात्राओं और युवाओं के समर्थन के साथ सड़कों पर उतरी थी और उस वक्त जिले की उपायुक्त ने मामले की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा करवाने की बात कही थी, लेकिन अब तक वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही कब्रिस्तान की तरफ से खोले जा रहे दरवाजे के निर्माण को रोका गया। इन्होंने कहा कि अगर अविलंब जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक और निर्माण कार्य को बंद नहीं करवाया गया तो युवा भाजपा एक बार फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग जिला उपायुक्त कार्यालय पहुँचे हैं। जैसा कि विदित है, पिछले 17 अक्टूबर 2022 को साक्षी कब्रिस्तान में जो अवैध निर्माण और ग्रेजुएट महिला कॉलेज के सामने जो उसका मुख्य द्वार खुला था, उसको लेके इसी डीसी ऑफिस के चौखट को हजारों युवाओं, नौजवानों और हमारी बहनों के साथ युवा मोर्चा ने हुक्का जाम किया था और उसके बाद 15 सदस्यीय टीम को जिला उपायुक्त विजय नारायण जादव जी ने आमंत्रित किया, हम लोग की समस्याओं को जाना और रेखांकित किया और हम लोग को आश्वासन दिया था कि अवैध निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसे जिला प्रशासन रुकवाएगी। अवैध निर्माण एवं ग्रेजुएट महिला कॉलेज के सामने जो कब्रिस्तान कमेटी के द्वारा द्वार खोल दिया गया है, जिसको लेकर 17 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर जिला उपायुक्त कार्यालय का महाघेराव किया था, जिसमें जिला की उपायुक्त महोदया ने एक जांच कमेटी का गठन किया था और हम लोगों को कहा था कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। आज 2 महीना बीत जाने के बाद भी जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। आज हम लोग जिला के उपायुक्त महोदय के बिहाफ में नंद किशोर लाल जी से मिले और हम लोगों ने मांग किया कि आखिर क्या मजबूरी है कि आप वो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। और जमशेदपुर में एक बार फिर से गोल्फ का रोमांच शहरवासियों को देखने को मिलेगा, जहां टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शहर के आगामी
21 से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। साल के अंत में हर वर्ष जमशेदपुर के गोलमुरी एवं बेल्डी गोल्फ कोर्स में इसका आयोजन होता है, जहां देश भर के अलावे विदेशों से भी गोल्फ खिलाड़ी शामिल होते हैं। इस वर्ष 3 करोड़ की इनामी राशि रखी गई है। इसमें पूर्व मंगलवार को आयोजकों के द्वारा चैंपियनशिप की जानकारी मीडिया से साझा की गई। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के वीपी सर जमशेदपुर गोल्फ के कप्तान संजीव पॉल ने कहा कि साल भर इस चैंपियनशिप का इंतजार गोल्फ के खिलाड़ियों को रहता है और टाटा स्टील इसका आयोजन कर गर्व महसूस। नॉर्मली पीजीटीआई 16 से 18 टूर्नामेंट करता है पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों में। आखिरी टूर्नामेंट हमेशा जमशेदपुर में होता है। पिछले 3 साल से हम इसको स्पॉन्सर कर रहे थे। पिछले तीसरे साल जब स्पॉन्सरशिप खत्म हुआ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने उसको रिन्यू किया। जो 6 करोड़ की स्पॉन्सरशिप थी पूरे टूर की, उसको 8 करोड़ किया। जमशेदपुर का जो मैच 1.5 करोड़ का प्राइज मनी होता था, उसको 3 करोड़ किया। सो ये डबल प्राइज मनी है जमशेदपुर के मैच की इस टाइम, और हिंदुस्तान की ये हाईएस्ट प्राइज मनी है। द सेकेंड इन दैट ऑर्डर वुड बी 1.5 करोड़ ओनली। सो ये ऑलमोस्ट डबल है क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन के साथ में। सो द गोल्फर्स ये देखते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट इन जमशेदपुर। उधर सोमवार की शाम एमजीएम थाना क्षेत्र के छोटा बांकी में गौ चमड़ा से भरा पिकअप वैन पलट गया। वाहन पलट जाने से सारे माल सड़क पर बिखर गए। आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना एमजीएम पुलिस को दे दी। इसकी जानकारी मिलने पर घाटसिला जिला परिषद सदस्य सह जन वितरण प्रणाली समिति के अध्यक्ष कर्ण सिंह भी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। मौके पर वाहन चालक फरार हो गया, परंतु एक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जिला परिषद सदस्य सह जन वितरण प्रणाली समिति के अध्यक्ष कर्ण सिंह ने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रशासन पूरी मामले की जांच कर कार्रवाई करे। NH 33 एमजीएम थाना अंतर्गत आता है और यहाँ पे गाय का चमड़ा लोड था, जिसका गाड़ी नंबर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा इसका दोनों टायर उड़ गया। इसमें पूरा गैया का चमड़ा लोड था, करीब तकरीबन इसमें 1500 पीस गाय का चमड़ा लोड है। और उसको हम लोग मतलब कि जब गाड़ी पलटी हुआ तो ड्राइवर भागने में सफल रहा और एक आदमी उसमें गिरफ्तार हुआ, हम लोग पकड़ पाए। और मिली कुछ लोग यहाँ से कॉल किए कि रास्ते पे एक गाड़ी पलटी हो गया है और उस गाड़ी पे गाय का चमड़ा लोड था। आने के बाद देखे कि पूरा एक पिकअप पूरा गाड़ी चमड़ा लोड है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो इस फील्ड पे काम कर रही है। और इतना लंबा रास्ता तय करके कैसे लोग निकल जाते हैं, इस पर एक जाँच हो, इन पर कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं ये हमारी आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। इधर आजाद नगर स्थित बावन कोड़ा से 19 अक्टूबर से संजय सोरेन नामक युवक लापता है। तुरिया बेड़ा स्थित तालाब के पास लापता युवक का स्कूटी बरामद हुआ। आजाद नगर स्थित बावनगोड़ा से विगत 19 अक्टूबर से संजय सोरेन नामक युवक लापता है। इस संबंध में परिजनों के द्वारा आजाद नगर थाना में मामला दर्ज करवाया गया। लापता युवक का पता नहीं चल पाया है। आज एमजीएम थाना स्थित तुरिया बेड़ा तालाब से लापता युवक का स्कूटी बरामद किया गया है। ये है कि 19 अक्टूबर को हमारा भतीजा घर से 5:30 बजे क्या नाम था उनका? उनका नाम संजय सोरेन था, जो स्कूटी से निकला था, जिनका स्कूटी का नंबर J05AAC 2200 नंबर था, जो आज इस बगल वाला तालाब से बरामद हुआ है। और हम लोग स्कूटी को तो प्रशासन या चौकीदार का यहाँ रख दिया है, मगर यहाँ का स्थानीय लोगों से हम लोग को बोला कि आप लोग रात में यहाँ देखभाल कीजिए, नहीं तो कुछ भी संभव हो सकता है यहाँ से। क्या लगता है प्रथम दृष्टिया क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? अभी तक तो अभी उनका यह नहीं मिला है, बॉडी नहीं मिला है। ठीक है, कल यहाँ क्या बोलता है दिन में इसका छानबीन करने से जो सामने आएगा, जो अभी देखने से ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना हम लोग को आदमी से, माने लोकल आदमी से, स्थानीय लोगों से ही पता चला। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जाकिर नगर बावनगोड़ा के नाम रहने वाले हैं, कुली रोड के। तो इतने दूर कोई रिश्तेदार तो नहीं है आपके यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं है। तो गाड़ी गाड़ी जो है किस हालात में मिली आपको? वो तालाब का अंदर से मिला है। आपको क्या लग रहा है कि उसके बाद प्रशासन आई थी क्या? वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ, बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात, हॉप के दो बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें दो वेरिएंट है, हॉप लियो हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए लिया गया है, ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिस्टुपुर, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजो ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं, मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्री लेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है, इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा, जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा, जो
साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगी। राष्ट्रीय दलित मुखी समाज के द्वारा अपने अधिकार की मांग को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही एक मांग पत्र महामहिम राज्यपाल के नाम जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण जब से हुआ है तब से मुखी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। इसे बनवाने की प्रक्रिया को भी इतना जटिल किया गया है कि हर कोई इससे वंचित हो रहा है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने से मुखी समाज के लोग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित रह रहे हैं। साथ ही समाज के छात्र वर्ग को भी शिक्षा मिलने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में जल्द से जल्द समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने की मांग इन्होंने उठाई है। अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, जाति प्रमाण पत्र का हक देना होगा, देना होगा, देना होगा, केंद्र सरकार राज्य का होश में आओ। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय दलित मुखी समाज से, मैं चेतन चौसामुखी और अन्य हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आज यहाँ पर उपायुक्त महोदय पूर्वी सिंहभूम के द्वारा हम लोग राष्ट्रीय इस झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री रमेश जी को एक मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं डीसी के माध्यम से। और इसमें जो हमारी जाति प्रमाण सहित जटिल सामाजिक समस्याओं को लेकर हम लोग मुद्दे पर यहाँ पर पहुँचे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि जाति प्रमाण पत्र जो है विगत जब से झारखंड का जन्म हुआ 15 नवंबर, एनडीआरएफ की टीम ने जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में कर्मचारी और पंचायत सेवक को प्रशिक्षण दिया। संकट की घड़ी में लोगों को कैसे बचाना और मदद करना है आदि विषय को लेकर आज एनडीआरएफ की टीम ने प्रखंड और अंचल कर्मचारी और पंचायत सचिव को प्रशिक्षण दिया ताकि संकट की घड़ी में लोगों को हर संभव मदद किया जा सके। प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर कर्मचारियों को? कर्मचारियों को आपदा से बचाव हम किस प्रकार से करेंगे, फंसे हुए लोगों को किस प्रकार से रिकवरी करेंगे, इस संबंध में उन्हें जानकारी दिया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी दी है? हम जानकारी दिए हैं कि हमारे देश में जो आपदाएं आती है या कहीं भी आता है, आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक मानव निर्मित होता है। अच्छा, प्राकृतिक निर्मित वो आपदाएं आते हैं जैसे अर्थक्वेक, साइक्लोन, जैसे जो आपदाएं हैं बाढ़ फ्लड जो होता है हमारे देश में हर वर्ष और बीते हुए काल में बहुत भारी नुकसान किया है। इन सब से बचाव हम किस प्रकार से करेंगे, उन सारे बचाव के तरीके हम उनको सिखलाते हैं। ब्लॉक क्या? हम ब्लॉक में जिला स्तर के जो स्टाफ हैं, गांव के मुखिया हैं, वार्ड्स के जो मेंबर हैं, सभी को भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा यह आदेश है कि यह परीक्षण सबके लिए जरूरी है और जब ऐसी घटनाएं आपदा की हो तो सब मिलकर के एक साथ हम उस काम को जल्द से जल्द करें। इसलिए हम यहां डिस्ट्रिक्ट में आकर करके हर ब्लॉक में यह प्रशिक्षण दे रहे हैं। और बहरागोड़ा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रागुनिया परिसर में विद्यालय के प्रथम छात्र की मूर्ति स्थापित की गई। बहरागोड़ा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रागुनिया परिसर में विद्यालय के प्रथम छात्र की मूर्ति स्थापित की गई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भाजपा के वरीय नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने किया। कार्यक्रम में कृष्ण मुरारी, श्रीवत्स घोष समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। कभी कभी अपना प्रिय जन को खोने का क्या दुख होता है, उसके परिवार परिजन दोस्त मित्र और संबंधी समझ सकते हैं। हम तो सुनते थे महाभारत में, हम सब जो सामाजिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, मैं अपने साथियों को कहता हूं कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में अगर कोई आदर्श पुरुष है तो उसकी जीवनी पढ़ लीजिएगा,
तो हर प्रकार की निराशा खत्म हो जाएंगे। वासुदेव कृष्ण के जन्म जीवनी को आप एक बार स्मरण करें, उनका सबसे प्रिय अभिमन्यु था जो उनका हंजा। तेजस्विनी परियोजना में कांग्रेस कर्मियों ने लंबित वेतन की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। तेजस्विनी परियोजना में कार्यरत 600 कर्मचारियों ने लंबित वेतन की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। के अंदर हम लोग को काम वेतन नहीं मिल जाता, तो संभावना है कि पूरे फील्ड में हमारा काम पूरी तरह से बंद हो जाए। क्या क्या काम करते हैं फील्ड में? हम लोग जिसमें आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का यह कार्यक्रम, सामाजिक सशक्तिकरण के तहत हम लोगों ने कई ट्रेनिंग वगैरह उन लोगों को दे चुका है, लेकिन अब आर्थिक सशक्तिकरण की जो पारी आई है और ये 2019 से चल रहा है, लेकिन हम लोग का वेतन जो है मई 2022 से आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस वजह से हम लोग बार बार अपने 11% से सभी कर्मी यहाँ आए और आगे अपना जो भी मांग है उसको लेकर हम लोगों ने अपना चुनी। क्या मांग क्या है हमारा वेतन? मेरा नाम गोपाल किस्कू और हम घाटशिला प्रखंड के प्रखंड समन्वयक हैं तेजस्विनी परियोजना में, और इस परियोजना के तहत हम लोग 14 से 24 वर्ष की जितने भी किशोरी और युवतियां हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए कार्यक्रम सरकार का एक जनकल्याणकारी योजना है, और इस योजना के तहत जितने भी 14 से 24 वर्ष की किशोरी महिलाएं हैं उनको सशक्त करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसके तहत सामाजिक सशक्तिकरण के तहत हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह ये तो दे चुके हैं, लेकिन अभी जब आर्थिक सशक्तिकरण की बारी आई जिसमें बहुत सारी महिलाओं को कौशल और व्यवसाय प्रशिक्षण देकर उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, और जब ये बारी आई तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम लोग मई 2022 से हमारा लगभग 8 महीना होने जा रहा है, अब तक हमारा वेतन बकाया है जो इसको JWDS झारखंड महिला विकास समिति जो है उनके सहयोग से होता है, लेकिन अब तक हमारा सैलरी नहीं आने की वजह से हमारे जितने भी जमीनी स्तर के कर्मी हैं सभी के सभी एकदम बंद सा हो गया है, और इस वजह से हम लोग काम करने में थोड़ा सा अपने आप को अनिजी महसूस कर रहे हैं। कितने लोगों का वेतन रुका हुआ है? 500 टोटल हमारे 600 पूर्वी सिंहभूम के 11 प्रखंड में 600 कर्मी हैं जो 4 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, जिसमें युवा उत्प्रेरक हैं, संकुल समन्वयक है, क्षेत्र समन्वयक और प्रखंड समन्वयक। काम कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस पत्र के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर 10 से 15 दिनों के अंदर हम लोग को हमारा बकाया वेतन पूरा नहीं किया जाता है तो संभावना क्या, हमें पूरा अंदेशा लग रहा है कि हमारे जितने भी जमीनी स्तर के कर्मी हैं वो पूरी तरह काम को बंद कर रहे हैं। किसके अंडर में काम करते हैं? हम लोग झारखंड सरकार का ये कार्यक्रम है जिसको वर्ल्ड बैंक फंड करती है। मानगो थाना पुलिस ने तेरापुरिया ब्राउन शुगर के साथ कमाल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर कुली रोड में छापेमारी कर तेरापुरिया ब्राउन शुगर के साथ कमाल हक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोडी में दिन दहाड़े हथियार के बल पर 2 अपराधियों ने तीनों बैंक के कलेक्शन एजेंसी की लूट, पुलिस जाँच में जुटी। आजाद नगर स्थित जवाहर नगर रोड नंबर 14 में मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। जोजोबेड़ा में रेलवे का नव निर्माण पुलिया से गिरकर कानवाई चालक गंभीर रूप से हुआ घायल, एमजीएम में भर्ती। और चाईबासा के भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने किया सरेंडर। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।